बस आंटी बहुत वो है, चीजें भी ले लो। क्या क्या टेस्ट बेटा? गाइज ये लड़की को देखिए कितनी स्लिम एंड ट्रिम है, ये दुबले हुए प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो गाइज हम मौसम्बी बोलते ना इनको, मौसम्बी का जूस पीने के लिए आए वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेटू लाइफ विद सोना में। तो अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं, दो बज चुके हैं, मॉर्निंग के नहीं कह सकते, दिन के दो बज चुके हैं और मैंने अभी सारा काम फिनिश कर लिया है। अपना सुबह का जितना भी वर्कलोड रहता है ना, वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया है क्योंकि पेशेंट ना मॉर्निंग के ज़्यादा होते हैं, दिन में थोड़े से कम हो जाते हैं, इसलिए मैंने सारा काम यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। और पता है कौन आ गया है, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी और कौन आ गया है, मैं मिलवाती हूँ। तो ये मेरी मोटी फ्रेंड आ गई है, मोटू आ गया है, मोटू। तो ऐसा कई बार होता है कि जब भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो दीदी आ ही जाते। और क्या हाल चाल? बढ़िया। आपको बताएगा इस पैदल पैदल आते हैं डेली, अपना वेट लॉस कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी से बिल्कुल भी नहीं आते। सो ये बोलते हैं कि पैदल आऊंगी ना तो थोड़ा सा मेरा वेट कम हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊं कितना वेट कम हुआ है। थोड़ा पास से नजदीक से दिखाते हैं, रुकिए। गाइस ये लड़की को देखिए कितनी स्लिम एंड ट्रिम है, ये देखिए देखिए देखिए, ये अपना पेट अंदर कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका पेट अंदर हो जाए, थोड़ा सा बैक साइड जाओ ये। और ये सूट आपने कहाँ से मंगवाया था? मीशो से। ये मेरे मीशो से। कितना प्यारा लगा, कितने का? वाओ, ग्रीन जूते, ग्रीन सॉक्स, ग्रीन सूट, कितने का? 200। गाइज ये कुर्ती ओनली 200 की, कितनी प्यारी लग रही ना, साइड से भी सिलाई बहुत अच्छी इसकी आई है, कट वट बहुत अच्छे आए हैं। तो दीदी कितने दुबले हुए प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो चलिए हम लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। उधर ना मेरे साथ में बहुत बहुत चीजें हो रही है, मैं वीडियो शूट करती हूँ, चालू करना तो बंद ही कर, मतलब चालू करना ही भूल जाती हूँ, तो मेरी वीडियो ही शूट नहीं होती। वापस से अभी मुझे फिर से ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसके पहले जो क्लिप ली थी ना वो शूट ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं किया। तो आप लोगों से मेरी पलटन से मिलवाती हूँ, उधर जाती हूँ और उन लोगों के बिना तो मजा ही नहीं आता। और दीदी रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ में ले जाओ अपने, हाँ तेरे संग संग में भी चलो। तो चलिए उधर चलते हैं, सब लोगों से मिलवाते हैं। ठंड मुझे भी लग रही है बट मैं अपना स्वेटर भूल गई हूँ, आज लाना, लियाऊं। हाँ यार आज लग रही ना थोड़ी थोड़ी, गाइस थोड़ा सा ठंडा मौसम है। तो चलो पलटन से मिलते हैं, बातचीत करते हो, थोड़ी हंसी मजाक करेंगे और पेशेंट के साथ भी आजकल मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ। तो आप लोगों को आजकल की वीडियो कैसी लग रही प्लीज कमेंट में जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। और बाहर आ गए, बाहर अच्छी हवा चल रही है और मेरे सर भी आ गए हैं, ये है मेरे सर जिनको आप जानते हो, दीपक शर्मा जी। तो पेशेंट को जाने देते हैं, रास्ता हम नहीं रोक सकते, तो हम जा रहे हैं उधर सारा काम। अरे मैं रिपोर्ट ले जा रही हूँ याचना के डालने, सारी रिपोर्ट नहीं, खाली राम सागर की सारी। कैसे आपको रीना के बैग पर दिख रही होगी ना, दोनों पर्स पर, सॉरी दो बार्बी डॉल, तो दो बार्बी डॉल यहाँ है, दो बार्बी डॉल यहाँ पर बैठी है, देखो आपस में कैसे डिस्कशन कर रही है, कॉलेज की बातें गपशप चल रही है। चलो मैं लंच करती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। अरे अचार गोल ले मेरी माँ। तो गाइस ये हमारा लंच, ये है दही पराठा और ये इधर है आलू की सब्जी और अचार और वो पराठा रखा है, तो इतना अच्छा खाना है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। सब मेरे घर से आया है। बहुत अच्छी है खाना, तो ये खाना मैं जल्दी से खा लेती हूँ और मैं सचिन को कुछ नहीं खिलाऊंगी। और भैया बैठे हैं इधर देख सकते हो, सुमित को मैंने बोला शक्कर लेके आने के लिए क्योंकि दही में शक्कर डालनी है और अभी शक्कर खत्म हो चुकी है, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं सारा, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और जिसको भी खाना है आ जाइए, मस्त मेथी के पराठे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ अनुपमा और साथ में अपना काम भी ख़त्म कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर आज हमें मिला है हिस्टो का सैंपल, यानी कि यूट्रस से निकाली हुई गठान जो कि हमारे पास आती है, हम मेन लैब में भेजते हैं, फिर इसका टेस्ट किया जाता है। और कई लोग सोच रहे होंगे इतना सारा ब्लड, ये ब्लड नहीं है, फॉर्मुलिन है जिसमें हम गिठाने वगैरह होती है ना उनको रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रह सके और जब तक ये वहाँ पर जाएगी तब तक ये सेफ़ रहे। और इसके बाद में मैं चली जाऊँगी अपनी पास वाली लैब में। तो लैब में जैसे ही मैं जाती हूँ तो मुझे ना ये आंटी दिख जाते हैं, तो आंटी को देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी क्योंकि आंटी का जो एक हाथ है ना, बस मैं उसी के बारे में उनसे बात कर रही हूँ। आपको ये पता है ये पूरे हाथ में क्या हुआ है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। आंटी ना सब्जी काट रहे थे, इनको ना शुगर है, तो गलती से इनके हाथ पर लग गया था। तो पता है चाकू का एक ज़रा सा
हिस्सा मतलब चाकू से ज़रा सा हिस्सा कट गया था, तो वो धीरे धीरे घाव बन गया और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा फैल गया कि उनका हाथ पूरा सड़ गया है। तो अभी आंटी का काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है। और आपको पता है ना, जिसको भी शुगर, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको घाव जल्दी हो जाता है, पक जाता है अगर कहीं लगी हो या कोई कट हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जो भी शुगर पेशेंट है आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो पता है क्या हुआ, आंटी की हेल्थ बहुत ज़्यादा थी तो ऐसा में सैंपल लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको पता है वो जिस हाथ में मैं सैंपल ली वो हाथ इनका थोड़ा सा जला हुआ अभी तक साइड में आपको दिख रहा है, तो इनकी कोई वेन ही नहीं फील हो रही थी। तो फिर मैंने एक बार प्रिक किया, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे फर्स्ट टाइम प्रिक करा और ब्लड नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। बट मैं सेकेंड टाइम भी प्रिक कर रही थी तब इतनी देर में आ जाते हैं हमारे सर और मेरे सर बोलते हैं कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ, आज मुझे करने तो बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कभी होता नहीं बट आज हो गया है। बट इसलिए मैंने सर को नहीं दिया कि मुझसे नहीं हुआ, मैं कर रही थी बट सर बोले मैं लेता हूँ तुम रहने दो। तो पता है फिर सर आए ना, तो सर ने फिर इनकी एक सुपरफिशियल वेन दिख रही थी उससे लिया। और पता आंटी इतना जोर जोर से चिल्लाए, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, आपको उनका ओरिजिनल साउंड सुनने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सुपरफिशियल है ना, बस हो गया क्या? वो वेल वेन है ना, बिल्कुल सुपरफिशियल बहुत वो है। ये बन गया ना, एक मान ले पीएम पे विडा अंकल की वेन कितनी सारी दिख रही कोई सी से भी ले लो अंकल, हाथ मत खींचना अंकल, अंकल हाथ हाथ मुट्ठी मुट्ठी बंद करिए अंकल, मुट्ठी टाइट बंद करिए। क्या क्या टेस्ट है बेटा? टीसी टीसी हाँ बीएमपी विडा बस 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 वो कहाँ है? लगाओ जल्दी निकालो मोड़ लीजिए। तो गाइज हम मौसम्बी बोलते ना इनको, मौसम्बी का जूस पीने के लिए आए हैं और मैं ऑफिस से आ गई हूँ क्योंकि मुझे जूस पीना था। और ये हैंडमेड मशीन है, देखिए हाथों से ही जूस निकालो, ओरिजिनल, ना कोई केमिकल ना कुछ नहीं, देखिए कितना अच्छे से निकल गया है। और मौसम्बी का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो भैया कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं देखिए, अभी तो एक भैया का एक स्टाइल भी है, वो जग में लेंगे ऊपर से नीचे करेंगे वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें शायद कुछ मिला दे तो वो अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो चलिए फटाफट से मेरा जूस रेडी हो जाता है फिर मैं पीती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वाला बता रही थी मैं आप लोगों की, अरे अरे भैया का जूस नीचे गिर गया, नुकसान हो गया बेचारे का। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं भैया, तो फटाफट से जूस आ जाता है फिर हम पीते हैं, इंजॉय करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू भैया। बर्फ नहीं डाला ना भैया, ऐसे ही दिया। बर्फ क्या अच्छा लगेगा। कितना जल्दी आगे किया, बस 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 डुल जाएगा स्नैप खींच रहा हूँ मैं तो। बहुत चलना मांगा मैं तो स्नैप खींच रहा हूँ।